वहीं दिल्ली पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गैंग रेप के एक मामले को पैसे लेकर अफा दफा करने का खुलासा किया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि 251 रुपए में मोबाइल फोन लॉन्च कर तहलका मचा देने वाली कंपनी के मालिक मोहित गोयल को गैंग रेप के आरोपियों से पैसे वसूलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को राजधानी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस स्थित एक शॉपिंग मॉल में गैंग रेप की शिकायत करने वाली महिला मोहित गोयल और उसके एक अन्य साथी विकास मित्तल को आरोपियों से 25 लाख रुपए लेते पकड़ा। शॉपिंग मॉल में गैंगरेप के आरोपियों से मामले को रफा दफा करने के नाम पर पैसे वसूलते हुए महिला सहित तीनों सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। और जैसे ही पुलिस वसूली कर रही कथित गैंगरेप पीड़िता को लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने लगी, गुस्साए आरोपियों के घर वालों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। यहां तक कि पुलिस को घर वालों के हाथों कथित गैंगरेप पीड़िता को छुड़ाने में भी काफी मशक्कत उठानी पड़ी।